हेलो दोस्तों, तो आज हम ब्लॉगिंग से कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम करेंगे ओप्पो एनको बड्स की अनबॉक्सिंग। तो चलिए बिना टेबल ठोके और तकनीकी ज्वाला बने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैकेजिंग टेस्ट करेंगे। डब्बा तो मजबूत यूज किया है और अभी तक कोई भी इन ईयर जो ईयरबड्स जाते हैं वो यूज़ नहीं किए, तो ये मेरे पहले इन ईयर ईयरबड्स का एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी यूज़ करता था ना वो ऐसे बाहर की तरफ नहीं होते, थोड़े वो वाले यूज़ किए। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसमें कितना दम है। भाई आवाज़ तो सही आ रही है, मतलब माल भी अच्छा होगा। तो ये रहा बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम पैटी पैक है। इसको हम हमारी देसी स्टाइल एकदम पेन से अनबॉक्स करेंगे। आपको बस आराम से इसे पेन लेके थोड़ा सा दबाना है और फिर ये तो क्या होगा, कांड हो गया। एक मिनट, हाँ 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 खुल जा। पहली अनबॉक्सिंग है, होमवर्क नहीं करा तूने। हाँ, और ये आप जैसे देख सकते हैं रैपर बाहर आ चुका है। कैसे खुलता है रे? हाँ ऐसे ही खुलता है, निकल जा। ओ सो साइड पिन को, और ये रहे हमारे बर्ड्स। बर्ड्स को पहले साइड पर रखते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। बॉक्स तो खाली है अंदर से। बॉक्स के अंदर इन्होंने खाली ऊपर की ईयर टिप्स दे दिया हमें, जो कि अच्छी बात है, इन्होंने दिया तो है कुछ। और ये थोड़ी सी पुस्तकें ज्ञान की बात है, जो कि हमारे पास पहले से ही भरपूर है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे कुछ हमारे ओप्पो के बर्ड्स आते हैं एकदम रैप किए हुए। सेटिस्फैक्शन प्रीमियम प्रीमियम। साला खुला कब रहेगा ये? हाँ खुल गया, वॉबल करने पे भी गिर नहीं रहा है कुछ भी। अच्छा एकदम मस्त फीडिंग है। तो इस ऐसे आपको छोटे छोटे से देखने को मिल जाते हैं। एक बार इनको पहन के देख लेते कि फिटिंग कैसी आ रही है, क्योंकि साला वज तो मेन होता है, नहीं तो कान में दुखेगा तो अपन कैसे पहन के बैठेगा। एक मिनट हो, इसमें लगे लग रहे। ओहो एकदम जबरदस्त फीलिंग। हमारे कान एकदम तकनीकी ज्वाला के जैसे ऐसे एरोडाइनमिक्स वाले तो नहीं है, पर फिर भी एकदम मस्त फिटिंग आ गया रे। मतलब बहुत सही फिटिंग है, आपको कान में डालते एकदम सॉफ्ट और एकदम अच्छा फील होगा। अभी इसके एक बार साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते कि सारा इसके आवाज़ में कितना दम है बे। तो दोस्तों एक हफ्ते तक हमने इसका टेस्टिंग किया और एक हफ्ते तक इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको एक चीज़ तो बता ही सकता हूँ कि अगर आपको ये वापस से अमेज़ॉन पे या फिर ओप्पो के स्टोर्स पे 1600 रुपए के मिले तो जाके इनको पहले ख़रीद लो, क्योंकि इनकी जो साउंड क्वालिटी है ना, ट्रेवर एकदम क्रिस्प है, इंस्ट्रूमेंट्स एकदम क्लियर है, कौन सा म्यूज़िक कब बज रहा आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा। और अगर आपको बेस थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आपके लिए सबसे बेस्ट डील होने वाली है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इतनी तगड़ी डील आपको कहीं नहीं देखने को मिलने वाली। तो अब अगर हम इनके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इनके अंदर आपको देखने को मिलता है IP52 रेटिंग्स। तो अगर आपको बहुत सारा पसीना होता है, आपको पानी के छियाँ छियाँ छपा छप पानी आपके ऊपर लगता रहता है, तो इसके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। IP52 रेटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये डस्ट प्रूफ भी है, मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है और स्पोर्ट्स के टाइम पर आपको गाना सुनना ज़्यादा पसंद है तो आपके लिए बेस्ट है। ये विदाउट केस एक चार्ज आपको 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप लाइफ दे देती है। प्ले टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसे पड़े रखने की नहीं। और अगर आप केस यूज करते हो तो 24 घंटे तक बिना चार्ज किए आप इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हो, तो आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल रही है इतने क्लियर साउंड के साथ। तो दोस्तों यही थी ओप्पो एनको बड्स की कहानी। आज के इस वीडियो को यही रैप अप करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए PMB अनबॉक्स।